विद्यार्थियों देखिए, कक्षा 8 में कल हमने दंडालय में आमों का जो प्रबंधन है उस प्रश्नावली में दंडालयों के बारे में पढ़ा था। दंडालय जो है वो आपको किस प्रकार ग्राफ के कॉपी में बनाना था उसके बारे में बताया था। आज हमें उसके अगली इकाई उसी का अगला बिंदु है उसमें अपने पास आंकड़ों को वर्तालेख में या पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। वर्तालेख या पाई चार्ट एक प्रकार का आलेख निरूपण है जिसे आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। अब वर्त बनाना आपने सीखा होगा कि एक वर्ग किसी एक बिंदु को केंद्र मान करके एक निश्चित त्रिज्या लेकर के और हम एक वर्ग बना लेते हैं और इस वर्ग ये वर्त बना है जिसका ये केंद्र कॉपी से प्रदर्शित किया गया है। अब हम सबसे पहले इसको आंकड़ों को वर्ग के आलेख में प्रदर्शित करने के लिए हमें पता होना चाहिए ये जो वर्त बना है इसका जो केंद्र बिंदु वो है उस केंद्र बिंदु ओ पर कितनी डिग्री के अधिकतम कोण बन सकते हैं यह हमें ध्यान रखना था। हमें पता है एक बिंदु पर अधिकतम 360 डिग्री के कोण बन सकते हैं यानी एक बिंदु पर अधिकतम 360 डिग्री के कोणों का निर्माण होता है। तो हमें इसमें इस बिंदु पर अगर कोई सूचना प्रदर्शित करनी है तो इसको 360 डिग्री के भागों में बांध करके रखेंगे। जैसे प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है, किसी शहर में युवा व्यक्ति ने समय में उसका एक आलेख निरूपण किया गया है जिसमें उसके निरूपण के लिए उसके अलग अलग भाग किए गए हैं। इसमें 20-25 भाग है उपशास्त्रीय पढ़ने वाले छात्र हैं। ये 10% जो भाग है इसमें शास्त्रीय पढ़ने वाले हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं और ये 20% भाग जो है इसमें लोक संगीत पसंद करते हैं और ये 40% भाग जो है उसमें मनोरंजन कार्य किए गए हैं। अब हमें बताया गया है, पूछा है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए सभी किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपना पहला केंद्र
क्वेश्चन है इसमें कि यदि 20 व्यक्ति यदि 20 व्यक्ति यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत 20 व्यक्ति जो है वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, यानी कुल जो व्यक्ति है इनमें दिखाए गए प्रतिशत के अनुसार 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने इसने पूछा कुल कितने व्यक्तियों ने कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस सर्वे में कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया है और इसलिए इसको सर्वे के कारण हमें जो कुल व्यक्तियों का जो सर्वे किया गया है उसमें 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। कुल व्यक्ति तो यहाँ लिखा है शास्त्रीय संगीत में 10% व्यक्ति है, यदि जब 10 व्यक्ति संगीत पसंद करते हैं तो अपने पास कुल व्यक्ति 100 है, यानी 100 में से 10। जब 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो अपने पास कुल व्यक्ति 200 है। तो इस प्रकार जो व्यक्तियों की संख्या है वो हमें इस प्रकार बतानी है, तो हमें ये लिखना इस प्रकार है, साथ इस प्रकार लिखना है क्योंकि ये प्रतिशत में दिया गया है तो प्रतिशत 100 पर निकाला जाता है। तो जब 10 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल व्यक्ति 100। अब हमें निकालना है इसमें कुल, जब कुल व्यक्ति 100 है तो 20 10% है, 10 व्यक्ति तो 20 व्यक्ति जब 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो जो व्यक्ति की संख्या है उसको सूत्र के अनुसार अगर रखोगे तो कुल व्यक्ति जब 10 करते हैं कुल व्यक्ति 100, जब 10 व्यक्ति तो कुल व्यक्ति 100, और जब 1 व्यक्ति हो तो 100/10, और जब 20 व्यक्ति हो तब रहेगा 100/10 × 20 कुल व्यक्ति ही होंगे। अरे भाई सुने से 1 कट गई और 100 को 2 से इनपुट कर दिया, 2 × 100 = 200 व्यक्ति, ये 200
और मृत्यु की संख्या भी जो संगीत के लिए कुल व्यक्ति पूछे थे उसमें व्यक्तियों की संख्या 200 ही है और पहले बिंदु का आंकड़ा तो गया है। इसी क्रम में इसमें कुछ अन्य भी लिखा गया है। शरीर के लिए तो व्यक्तियों की संख्या इसमें 200 बताई गई है, तो इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है। दूसरा गौरव किसने बताया है कि किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार का संगीत सबसे आधी व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा व्यक्ति जिन व्यक्तियों का परसेंटेज प्रतिशत सर्वाधिक है उन व्यक्तियों के द्वारा ही सर्वाधिक मात्रा में संगीत देखा गया। तो हम क्या कहते हैं ये जो पाई चार्ट है उसमें ये 40% वाले जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए हम इसे आपस को देखने से पता है पाई चार्ट को देखने पर सबसे ज्यादा प्रतिशत आंकड़ा मनोरंजन है। अतः सबसे अधिक संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। संख्या इसी में है क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा प्रतिशत परसेंटेज का आंकड़ा है, तो इसमें ही सबसे ज्यादा मनोरंजक जो संगीत है वो ही प्राप्त करने वाले पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। और इसी क्रम में इसका आगामी आपको इस प्रकार इनके सवालों के जवाब जो है वो देने हैं कि किस प्रकार इसका आगे का है। यदि कोई किसी कंपनी 100 सीढ़ी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीढ़ी बनाएगी। तीसरा जो बिंदु लिखा है क्या यदि कोई कंपनी 1000
सीढ़ी का निर्माण करे तो वह पर्दे प्रकार की कितने सीढ़ी का निर्माण करेगी, यानी हमें हजार सीढ़ियां बनानी है और प्रत्येक प्रकार की जो सीढ़ी का निर्माण करने की जो संख्या है वो ज्ञात करने के लिए हमें ये जो परसेंटेज है उसको हजार की संख्या में बांटना पड़ेगा। हम इसको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए जो कुल परसेंटेज है 100 के ऊपर लिखा गया है, क्योंकि प्रतिशत का आंकड़ा हमेशा ही 100 की संख्या पर प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर हमें 100 इकाई के आधार पर सीढ़ियों का निर्माण करते हैं। मान लेते सीढ़ियां कंपनी 100 सीढ़ियों का निर्माण करती है, तब तो प्रत्येक प्रकार की जो सीढ़ी है उसका माप इन आंकड़ों के अनुसार हमें प्राप्त हो जाएगा कि किस प्रकार की सीढ़ी कितनी कैसे बनी है। इसमें क्या है, इसमें जो है अब हमें जब हजार का निकालेंगे तो हजार के अनुसार प्रत्येक अंकों का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तब हम इसको उस प्रकार ज्ञात करते हैं, जब सीढ़ी की संख्या 1000 हो तो प्रत्येक प्रकार की सीढ़ी की संख्या, अब जब सबसे पहले हमें शास्त्री को ले लेते हैं, शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी, हाँ शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी जब है 100 है तब उसका निर्माण करते हैं 10, और जब 1 है जब कुल सीढ़ी 100 तो शास्त्रीय संगीत में संख्या 10, जब 1 हो तो 10/100, और जब 1000 हो तो 1/2 = 100 सीढ़ी, यानी शास्त्रीय संगीत है उसकी सीढ़ियों की संख्या 100 आ गई है। तो इसी क्रम में शास्त्रीय त्यागी, उसके बाद इसी प्रकार अन्य ही रहे उपशास्त्रीय, उपशास्त्रीय सीढ़ियों की संख्या 20/100 × 1/2 से 2 की संख्या
संख्या हो गई 200। यह हो गया दो नंबर बिंदु। अब तीन नंबर बिंदु में है अपने पास लोग संगीत। इसी लोक संगीत में है 30/100 × 1200 और उनकी संख्या आ गई 300। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के सीढ़ियों की जो संख्या है वो इस प्रकार हो जाएगी। फिर चौथे में पूछा है मनोरंजक। संगीत सीढ़ी मनोरंजन से कौन बने हैं 400 × 1200 × 1200 और 400 सीढ़ी। आदिभाव प्रत्येक प्रकार की सीढ़ी आ गई। संगीत शास्त्रीय में है 100 सीढ़ी हो गई और शास्त्री की हो गई 200 सीढ़ी। इसकी हो गई 300 सीढ़ी और इसकी हो गई 400 सीढ़ी। आगे 400, 300, 700, 800, 800 और 800 और 2 पूरी 1000 सीढ़ियां हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की जो सीढ़ी है उसका निर्माण करने की ये प्रक्रिया है जो आपको बता दी गई है। इसी क्रम में आपको ये सवाल इसी तरीके से हल करने हैं और अन्य सवाल भी आप इस प्रकार भूख के आधार पर हल करोगे। जो प्रत्येक प्रकार का पाई चार्ट आपको बनाना पड़ता है तो 300 सवाल डिग्री के आधार पर अगर 35 का तो 100 के आधार पर उनको विभाजित करोगे। इसी के साथ अगला चैप्टर फिर शुरू होगा। आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, बाकी कल शुरू करेंगे।